नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि घर में कुछ चीजें नहीं करना चाहिए या फिर वो चीजें करना अवॉइड करना है। बहुत सिंपल चीजें हैं, गलती से हमारे हाथ से हो जाती है, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन वो घर में बहुत बड़ी निगेटिविटी क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से घर में पैसा नहीं टिकना या घर में कुछ न कुछ अनबन चलते रहना, ऐसी चीजें होती है। तो ये कौन सी चीजें है ये आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, सबसे पहले देखते हैं हम घर के मुख्य दिशाएं, नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, ईस्ट यानी पूर्व और वेस्ट यानी पश्चिम। ये घर की मुख्य दिशाएं हो गई। हर कोई चाहता है कि उसके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में कभी भी झगड़े ना हो, घर का वातावरण जो है सभी मिलजुल कर रहे, और उसमें भी अगर वो जॉइंट फैमिली है तो वो हमेशा ये सभी चीजें फॉलो करने में बहुत ट्राई करता है कि घर में कभी भी अनबन नहीं होनी चाहिए या हर किसी का एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना जरूरी है। अगर जॉइंट फैमिली हो, न्यूक्लियर फैमिली हो, दोनों में भी ये बहुत जरूरी है। इसके लिए लोग अलग अलग तरह के उपाय करते हैं, लेकिन कभी भी हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं छोटी छोटी, जिससे घर की सुख शांति दोनों भी चली जाती है। और हम सोचते हैं कि यार मैं ये कर रहा हूँ फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, मैं वो कर रहा हूँ फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, अभी कैसे करें। तो दरअसल हम अपने घर को सजाने के लिए कई अलग अलग चीजों को लेकर आते हैं, कभी कभी हम गलत चीजों को भी उठा कर लाते हैं, जिससे वो जो डायरेक्शन में हम चीजें रखते हैं वहां पर जिस ग्रह का प्रभाव है वहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और आपको मुश्किलों का सामना करना चालू हो जाता है। इसलिए हम आपको अभी कुछ ऐसी चीजें बताने वाले हैं कि बहुत सिंपल है बट आपको वो चीजें करना अवॉइड करना है। सबसे पहले ध्यान में रखिए दूध। दूध जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से रखना जरूरी है, दूध कभी भी खुला नहीं रखना है। आप अगर पुराने लोग देखोगे तो वो कभी भी अगर गाय का दूध निकाल कर भी लाते हैं तो उसको ढककर ही लाएंगे, ढककर ही रखेंगे। दूध खराब होता है खुला रखेंगे तो ये भी उतनी ही सत्य बात है, लेकिन दोस्तों दूध अगर खुला रखते हैं तो इससे कुछ आर्थिक परेशानियां आ सकती है ऐसा कहते हैं। इसलिए दूध को कभी भी खुला नहीं रखना है, क्योंकि दूध में अगर कुछ समझो गिर जाता है, कुछ होता है, दूध तो खराब होगा या फिर आपके हेल्थ पर उसका इम्पैक्ट हो सकता है। दूध हमेशा ढककर रखना चाहिए। बोनसाई जो ट्रीज होते हैं, यानी कि जो ऐसे ट्रीज जिसको छोटा बनाया जाता है, यानी कि समझो आम का एक बहुत बड़ा ट्री है उसको बोनसाई बनाते हैं, उसका एक छोटा ट्री बनाते हैं और वो डेकोरेशन के तरह जैसे हम घर में रखते हैं, वो एक्चुअल पेड़ होता है लेकिन छोटा वाला होता है, उसको बोनसाई कहते हैं। ये बोनसाई वाले ट्री घर में नहीं रखना चाहिए, ये जो है इनमें एनर्जी जो होती है वो बड़ी चीजों को छोटा किया होता है, तो इनमें इतनी पॉजिटिविटी नहीं होती। इसलिए आपको अगर बोनसाई ट्रीज लगाना भी है तो आप आपके कंपाउंड वॉल के बाहर लगा सकते हैं, लेकिन घर में रखना आप अवॉइड कीजिए बोनसाई ट्री। खास करके अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो आप इन चीजों को मत ट्राई कीजिए कि घर में लाकर रखना है बोनसाई ट्री, आप घर के बाहर रखिए अगर आपके घर में है तो। उसके बाद में घर में रामायण, महाभारत या युद्ध या फिर हिंसा के जो फोटोज है ऐसे फोटो नहीं लगाना है। ये इसलिए नहीं लगाना है कि इन जो फोटोज है इनके पीछे वो स्टोरीज है, ये युद्ध की स्टोरीज है, तो इस प्रकार के फोटो नहीं लगाना है। घर में जो फोटो हम लगाएंगे वो किसी अच्छा जो नैसर्गिक नजारा है, यानी कि कुछ पहाड़ है वो आप पश्चिम में लगा सकते हैं या नैऋत्य में लगा सकते हैं उसका फोटो, या कुछ झरना है या पानी है स्टिल वाटर वो आप लगा सकते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, इस प्रकार के दृश्य आप घर में लगा सकते हैं। श्री कृष्ण जी का फोटो आप लगा सकते हैं, वायु कोण में श्री कृष्ण जी का फोटो लगाना यानी नॉर्थ वेस्ट में श्री कृष्ण जी का फोटो लगाना बहुत अच्छा होता है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर आप राधा कृष्ण का फोटो लगाओगे तो भी बहुत अच्छा होता है, या फिर आपकी जो मास्टर बेडरूम है उसमें भी आप
नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में उस बेडरूम के आप लगा सकते हैं राधा कृष्ण जी का फोटो, ये भी आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। तो ऐसे कुछ पॉजिटिव फोटोज आपको लगाना है, ना कि निगेटिव फोटोज। जैसा मैंने कहा युद्ध की दृश्य या फिर हिंसक दृश्य है, या फिर कुछ लोगों को होता है कुछ फिल्म कैरेक्टर्स पसंद होते हैं तो वो कैरेक्टर्स का कुछ फाइटिंग वाला फोटो लाकर वो रखते हैं, या उसके हाथ में कुछ शस्त्र है ऐसे कुछ फोटो लाकर रखते हैं। तो ऐसा नहीं रखना है, ऐसी चीजें अवॉइड करना है आपको लगाना। घर के उत्तर पूर्व भाग में आपको हेवी मटेरियल नहीं रखना है। ये जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है घर का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एनर्जी फ्लो जो होता है वो इस प्रकार होता है दोस्तों, इसलिए इन दो दिशाओं में अगर कुछ दोष उत्पन्न होगा, वैसे ये हेवी होना चाहिए या लाइट होना चाहिए, अगर ये उल्टा हो गया तो ये एनर्जी फ्लो में प्रॉब्लम होता है, या फिर स्लोप भी गलत हो गया तो भी एनर्जी फ्लो में, तो वो वास्तु दोष होता है। अगर एनर्जी फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आपके बॉडी में आपके ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है तो आप बीमार हो जाओगे, हमेशा बीमार रहोगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे, आपसे जो भी चीजें एक्सपेक्टेड है लोगों को वो आप नहीं कर पाओगे, पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आप खेल नहीं पाओगे, हमेशा बीमार रहोगे। वैसे ही अगर वास्तु में एनर्जी फ्लो ठीक नहीं रहा तो वो हमेशा बीमार रहेगी, आपको जो आउटपुट चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिलेगा। हालांकि आपने ईस्ट फेसिंग प्लॉट लिया है लेकिन आपने नॉर्थ ईस्ट को पूरा हेवी कर दिया है तो वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। वहां पर आपको सबसे रिकमेंडेड ये है कि आप डायरेक्ट चेंजेस कीजिए, उसको तोड़फोड़ कीजिए, लेकिन आजकल के जमाने में ये पॉसिबल नहीं है तो इसके लिए कुछ रेमेडीज आए हैं, तो वो रेमेडीज आप करा सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि नॉर्थ ईस्ट जो है इसको हेवी चीजें, हेवी मूर्तियां, क्या होता है नॉर्थ ईस्ट जो है वो भगवान की दिशा है, तो लोग बड़ी 7-8 फीट वाली एकाधी मूर्ति लेकर आएंगे, दुर्गा माता की या गणपति भगवान की या और किसी की बड़ी मूर्ति लाएंगे, हाथी की मूर्ति लाएंगे और वो नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे। अब वो अगर हेवी मूर्ति है दोस्तों तो वहां पर नहीं रखना है। वैसे देखा जाए तो घर में, पूजा घर में 5 से 8 इंच से ज्यादा बड़ी मूर्ति नहीं होना चाहिए। 5 से 8 इंच तक मूर्ति आप रख सकते हैं, थोड़ा सा प्लस माइनस 1-2 इंच आप रख सकते हैं, लेकिन उससे बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। इतनी बड़ी मूर्तियां हैं तो वो इस जगह को हेवी बनाएगी। वो मूर्ति आपको शोकेस में अगर रखना है तो आप प्रॉपर दूसरी डायरेक्शन उसके लिए रहेगी, वहां पर आप रख सकते हो, लेकिन उसको नॉर्थ ईस्ट में रखकर उसको हेवी नहीं करना है नॉर्थ ईस्ट को, ये आपको ध्यान में रखना है। कभी भी आपका जो बेडरूम है, समझो साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम है, आपका बेड यहाँ पर है, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा के जूते हैं, वो जूते आपने लाकर इसके नीचे डाल दिए हैं, डेली के जूते जो है वो आप दरवाजे के बाहर निकालते हो लेकिन 3-4 एक्स्ट्रा पेयर है वो आपने लाकर यहाँ पे रख दिए, बाहर धूप से खराब हो रहे, बेड के नीचे रख दिए, कबड़ के नीचे रख दिए, ऐसा नहीं करना है। जूते कभी भी आपके बेडरूम में नहीं लाना है, जूते दरवाजे के बाहर या दरवाजे के अंदर जो भी आपका शू रैक रहेगा उसमें रखना है, बंद करके रखना है। जूते बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, जैसे कि डस्टबिन भी निगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, इसलिए जूते कभी भी बेड के नीचे या अलमारी के नीचे, एक्स्ट्रा वाले भी जूते हैं, नए भी जूते हैं तो भी आप उसको बाहर रखिए, घर में लाकर मत रखिए, उसकी जो जगह है वहां पर आपको वो चीजें रखना है। आपकी जो लोहे की अलमारी है वो आपके बेड के पीछे नहीं रखना है, समझिए ये बेड है, इधर आप यहां पर आपने अलमारी रखी है, बेड थोड़ा सा इधर ले लिया है और यहां से आपका बेड है, समझिए यहाँ पे गैप है, ये अलमारी है, तो ऐसा आपके सर के तरफ वो अलमारी नहीं रखना है, ये ध्यान में रखना है आपको। अलमारी या तो इधर या इधर रखिए, बेड पूरा दीवार को लगा देना है आपको, सर के तरफ जो मेटल की अलमारी है वो नहीं रखना है। ये भी ध्यान में रखिए कि जो लोहे की चीजें है वो बिस्तर के ऊपर नहीं रखना है, गद्दे के नीचे कुछ कीले रख दिए या फिर कुछ मेटल की चीजें रख दिया, ऐसा नहीं करना है, वो निकालना है। घर के सेंटर पॉइंट में कभी भी वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, यह बहुत बड़ा वास्तु दोष है, ये आपके वंश को आगे बढ़ने नहीं देता है, बच्चों को हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएंगे, वो बीमार पड़ेंगे, आगे बढ़ नहीं पाएगा वंश, इस प्रकार से होता है। ये आपको घर के सेंटर में वाटर टैंक नहीं बनाना है, ये ध्यान में रखना है। आपको
ये भी ध्यान में रखना है, वॉटर टैंक जैसे नहीं बनाना है वैसे ही आपको यहाँ पर दूसरा जल स्रोत यानी बोरवेल हो या पानी की टंकी अंडरग्राउंड ये कुछ भी चीजें यहाँ पर नहीं करना है। धन संपत्ति एवं पारिवारिक सुख शांति के लिए डूबते हुए जहाज की जो तरफ तस्वीर कभी भी घर में आपको नहीं लगाना है। डूबते हुए जहाज की तस्वीर आपको गिफ्ट में मिली है उसको नहीं लगाना है, वो खरीद के भी नहीं लगाना है, गिफ्ट में भी नहीं। डूबते हुए जहाज की तस्वीर आपको घर में नहीं लगाना है एट एनी कॉस्ट। दान और पूजा के लिए घर में लगाई हुई जो वस्तुएं है अधिक दिनों तक उनको जो है यानी कि आपके घर में अगर कुछ गलत जैसा मैंने अभी बताया वैसे कुछ तस्वीरें है तो उसको आप ज्यादा दिन घर में मत रखिए, उसको आप किसी को दे दीजिए या धन में या फिर आप किसी पानी में बहा दीजिए। वैसे ही आपको ध्यान में रखना है कि देवी देवताओं की टूटी हुई मूर्तियां घर में नहीं रखना है। टूटी है उसको हमने बांध के रख दिया है लाख के ऊपर या बाद में ये कर देंगे, ऐसा नहीं करना। किसी मंदिर में रख दीजिए या पानी में बहा दीजिए। तो ये कुछ चीजें दोस्तों इसको आप अवॉइड कीजिए, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा इसका। दोस्तों वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसको जरूर प्रेस कीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। इस इन्फॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।